அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். साउथ की मोटिवेशनल स्पीकर सबरी माला ने इस्लाम अपनाकर किया ऐसा काम कि दंग रह गए कट्टरपंथी। साउथ इंडिया की चर्चित मोटिवेशनल स्पीकर सबरी माला ने इस्लाम अपनाकर अपना नाम फातिमा रखा है। वो मक्का मुकरमा में उमरा करने गई हैं। मक्का की अपनी पहली यात्रा पर फातिमा ने कहा, मैंने खुद से पूछा कि दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है। मैंने एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में कुरान पढ़ना शुरू किया, तब मुझे सच्चाई का पता चला। अब मैं खुद से ज्यादा इस्लाम से प्यार करती हूँ। एक मुसलमान होने के लिए एक महान विशेषाधिकार और सम्मान है। सबरीमाला ने सभी मुसलमानों से कुरान पेश करने का अनुरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि आपके पास दुनिया की बेहतरीन किताब है, फिर आप उसे घर में छुपाकर क्यों रखते हैं। कुरान शरीफ को आपको सभी को पढ़ने का मौका देना चाहिए। सबरीमाला का जन्म 26 दिसंबर 1982 को मदुरई में अलग घर सामी और कलेयारसी के घर हुआ था। उन्होंने जय कांतन से शादी की और उनका एक बेटा है जिसका नाम जय चोलन है। सबरीमाला ने अपनी शिक्षा डिंडीगुल तमिलनाडु में की और 2002 में कुड्डालोर जिले के कट्टू मन्नारगुड़ी के पास एलेरी स्कूल में स्कूल शिक्षक के रूप में शामिल हुई। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद यूजर्स के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर शमा अंसारी ने अपने ट्वीट में लिखा, तमिलनाडु की मशहूर एक्टिविस्ट सबरीमाला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, माशाल्लाह, अब न्यू नाम फातिमा रखा है। अल्लाह से दुआ है कि बहन फातिमा को हमेशा हक पर रखे और सलामत रखे, आमीन। एक्टिविस्ट मोहम्मद हबीब उर रहमान ने लिखा, तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक सबरीमाला ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। भारतीय मुसलमानों के प्रति नफरत ने उन्हें कुरान पढ़ने और फिर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अब मैं खुद से ज्यादा इस्लाम से प्यार करती हूँ, अल्लाहू अकबर। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।